नमस्ते भैया जी। तमीज नाम की चीज नहीं क्या तुम लोगों के अंदर? देखो भैया जी, आपको तो पता ही है कि मेरी कितनी पावर और पहुंच है। आसपास के इलाकों में सिर्फ मेरी ही चलती है। इसीलिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरी और इंदू की शादी करवा दीजिए, नहीं तो। ये क्या बदतमीजी है, किसी के घर के अंदर आकर डराकर धमकाकर इस तरह शादी की बात की जाती है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। मैं इज्जत से कह रहा हूँ, मान जाइए, नहीं तो। कुछ नहीं कर पाएगा तू। अरे इंदू, आ गई तुम? बाहर खड़ी गाड़ी को देखकर मुझे पता चल गया था कि अंदर बिन बुलाए मेहमान अपनी बेइज्जती कराने आए हैं। भैया, इसे अंदर क्यों आने दिया? मुझे यहाँ आने से रोकने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। तेरी तो। इंदू, तुम अपने कमरे में जाओ। भैया, पहले इससे कहिए कि ये इस घर से बाहर जाए। मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपने कमरे में जाओ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इंदू को कॉलेज से उठवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझ रहा हूँ और आप भी मेरी इज्जत को अपनी इज्जत समझिए। बाकी आप समझदार हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अब तेरा क्या होगा इंदू? क्या तेरे भैया तेरी शादी संग्राम सिंह से करवाएंगे? पता नहीं वो क्या फैसला लेंगे, वो भी उससे बहुत परेशान है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सॉरी भैया, मुझे माफ कर देना। मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है ताकि आप खुश रहें। आपको मेरी वजह से संग्राम सिंह की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। अबे, ये तो लगता है इंदू भाभी जा रही है। हाँ यार, लग तो वही रही है, लेकिन ये इतनी सुबह सुबह वो भी मुंह ढककर, कहीं ये भाग तो नहीं रही है। चलो पकड़ो, चलो। अरे भाभी जी, कहाँ भाग रही हैं? आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। भाभी जी, अब मत भागिए, नहीं तो आप थक जाएंगे और घर वापस चलिए। मुझे बचा लीजिए प्लीज। अरे भाभी जी, यहाँ आपको कोई नहीं बचाएगा। और आप इतना डर क्यों रही हैं? हम कोई गुंडे हैं क्या? चलिए घर चलिए। ओए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। इंदू भाभी को इधर भेज और तू निकल यहाँ से। मैं इसे नहीं जानता, इसीलिए इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों को भी नहीं जानता, इसीलिए तुम लोगों को मारने में मेरा कोई नुकसान नहीं। देख, शकल से ठीक ठाक लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। भाभी जी को इधर भेज और तू निकल यहाँ से। अक्सर लोग मेरी शकल देखकर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ, मेरा दिमाग उतना ही खराब रहता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। कितना बड़ा गुंडा है तू? बोल बोल, कितना बड़ा गुंडा है? देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अब क्या है? ये क्या किया तुमने? तुमने उन लोगों को मारकर ठीक नहीं किया। अब वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि कहीं भाग चलते हैं। तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मुझे कहीं भागने की जरूरत है? तुम्हें नहीं होगी लेकिन मुझे है, क्योंकि वो लोग मुझे रोकने के लिए फिर आएंगे। और जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं कर लेती तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम तुमने ही बढ़ाई है। चलो अब। आपने मेरी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। ओह, फिर तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी झांसी जा रही हूँ। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कब और कहाँ बोलना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अच्छा, तो तुम जहाँ तक जा रहे हो मुझे वहीं तक लिए चलो। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? चल बे, उतर। उतरिए भाभी जी। चल बे। मैं इन लोगों से कह रहा था कि कोई बाहरी ही होगा जिसे मेरे बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए इसने इतनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब गलती की है तो उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। हमें जाने दो। देख हिंदू, तेरे बॉडीगार्ड ने तो हार मान ली। चलो हिंदू, हम लोग आज ही शादी करते हैं। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे शादी करूंगी? 100 कमीने मरे होंगे तब तू पैदा हुआ होगा। इंदु, बदतमीज, गोली क्यों चला रहा है? अगर इंदु को लग गई तो? भागने दो, देखता हूं कहां तक भागेंगे ये लोग। कहां मैं अच्छा भला अपने घर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी हेल्प करके मैंने खुद को मुसीबत में डाल लिया। हाँ, अब मेरे साथ साथ तुम भी उनकी नज़रों में चढ़ गए हो, और अब वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग हैं कौन? वो संग्राम सिंह और उसके आदमी थे। वो कमीना मुझसे शादी करना चाहता है, और यहाँ आसपास सिर्फ उसी की हुकूमत चलती है। वो कमीना बार बार घर आकर परेशान करता था, इसलिए उससे बचने के लिए मैं घर से भाग कर झांसी जा रही हूँ। लेकिन तुमने दुश्मनी क्यों ली? तुम तो जा सकते थे, तो फिर गए क्यों नहीं? अब मेरे साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा है। अब जब दुश्मनी हो ही गई है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि हमें आर्मी की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि जब तक दुश्मन अपने घुटने न टेक दे तब तक हमें दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या तुम आर्मी मैन हो? हाँ। मैं आर्मी मैन हूँ। मैं छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे यहाँ भी अपनी ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। इस संग्राम सिंह नाम के कचड़े को साफ ही करना पड़ेगा। वाओ, आई लव आर्मी मैन। वो दोनों हमारे डर से रोड पर तो नहीं आएंगे, वो दोनों जंगल में ही भागेंगे। इसीलिए हम लोगों को भी जंगल के अंदर चलना पड़ेगा। उन लोगों ने जंगल का रास्ता चुनकर अच्छा नहीं किया, वो दोनों खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाएंगे। चलो। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। भाई जी, इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग 3 ग्रुप में बट जाते हैं और पकड़ लेते हैं। और हाँ, याद रहे किसी को गोली नहीं चलानी है, समझे? ठीक है भैया। चलो यहाँ से भागते हैं। चिल्ला क्यों रही हो? अरे मुझे चोट लगी है, मैं चिल्लाऊं ना। भागो भाई, गोली मत चला। अजीत, वो मिला कि नहीं? मिला, लेकिन उसने खुद तेरे आदमियों को मार गिराया। अबे ओए, तू मुझे जानता नहीं है। मैं बात से जात जान जाता हूँ और हरकतों से औकात। तू एक मामूली सा गुंडा है और कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हूँ तो पुल पर तेरी बोलती क्यों बंद हो गई थी? बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क होता है। तूने मुझसे दुश्मनी ले ली है, अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। ध्यान से सुन मेरी बात, इस लड़की का पीछा छोड़ दे, इसी में तेरी खैरियत है। हेलो हेलो, कहाँ गया है वो? भाई जी, वो इधर गया है। मैंने पता किया तेरे बारे में, तू तो फौजी है यार, इसीलिए इतना उछल रहा है। ज़्यादा उछल मत, अकेला है, मारा जाएगा। एक फौजी के सामने तुझ जैसे 100 आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते। देख फौजी, जहाँ है वहीं सरेंडर कर दे, नहीं तो यहीं मार के टांग दूंगा। तू वापस लौट जा, नहीं तेरी लाश को जंगल की चींटियाँ रोज चुन चुन कर खाएंगी। अगर मर्द का बच्चा है तो बस शाम तक रुक जा। ठीक है, रुकता हूँ, और शाम तक मैं तेरी मर्द होने की गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। वो लोग यहाँ तक भी आ गए। तुम यहीं रुकना। अबे मारो इस फौजी को। तुझे संग्राम सिंह की पावर का पता चल गया ना? अरे वाह फौजी, क्या लहरा के चल रहा है। घायल फौजी शेर से भी खतरनाक होता है। हर तूने अपनी जात दिखा दी, पीछे से वार करता है। अरे हम फौजियों की तरह सीने पे वार करना सीख, जो आखिरी सांस तक दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। वाकई में फौजियों की रगों में कुछ अलग ही खून होता है। मुझे भागने का बहुत शौक है ना। बड़ा दम है इस फौजी में, मारो इसे। रुक जा। बड़ी गर्मी है तेरे खून में, आज तेरा खून ठंडा पड़ जाएगा। फौजियों का खून ठंडा करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ।